तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू चौहान और आप देख रहे हैं अनकूल टेक्निकल चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने आ रहा हूँ कि आप अपने फेसबुक पेज को व्हाट्सएप से कैसे लिंक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। तो बेसिकली गाइस, अगर कोई बंदा आपके फेसबुक पेज पर जाता है और उसको अगर आपसे बात करना है तो वहाँ पर व्हाट्सएप का एक आइकन दिख जाएगा और उस पर टैप करके वो डायरेक्ट आपके पास मैसेज सेंड कर सकता है। और गाइस, उसको आपका नंबर भी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर शो करना चाहते हो तभी शो करेगा और नहीं कराना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं शो करेगा। बट इस ऑप्शन को अगर आप एक्टिव कर देते हैं, अपने व्हाट्सएप को अपने FB ID से FB पेज से अगर लिंक कर देते हैं, फिर वो बंदा डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है। जो कोई भी बंदा आएगा अगर आपके फेसबुक पेज पे, तो डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है व्हाट्सएप पे और बिना किसी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा कि आपका नंबर लीक हो गया या कुछ भी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को फेसबुक पेज से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना FB ID खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद साइड में आपको 3 बटन दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के जस्ट बाद गाइस, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको अकाउंट मिल जाएगा, फेसबुक अकाउंट जो आपका है। उसके बाद जितने भी आप फेसबुक पेज क्रिएट किए रहेंगे वहाँ पे सारा का सारा नीचे शो कर जाएगा, ठीक। तो जिस पेज से आपको व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करना है उस पेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनकूल टेक्निकल, ये मेरा फेसबुक पेज भी है, जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक भी वहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने फेसबुक पेज पे यहाँ पे टैप कर देना है। आपको टैप करने के जस्ट बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको खुल जाएगा, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा 8 बटन, ठीक है। आपको 8 बटन का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉलो का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो अगर आप फॉलो का ऑप्शन यहाँ पे लगाना चाहते हो तो बहुत इजीली लगा सकते हो। कोई बंदा आएगा तो यहाँ पे आपको लाइक करके यहाँ पे फॉलो के बटन में टैप कर देगा, ठीक। बट गाइस, यहाँ पे जो एड बटन दे रहा है फॉलो की जगह पे हम लगाएंगे कि मैसेज का। अगर कोई बंदा हमें मैसेज करना चाहता है कोई प्रॉब्लम है या कोई भी किसी के रिगार्डिंग, अगर उसको हमसे बात करना होगा तो नॉर्मली यहाँ पे कर सकता है। तो सिंपली आपको 8 बटन पे टैप कर देना है, यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा। तो 8 बटन पे क्लिक करने का जस्ट बाद गाइस, आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन खुल के मिल यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा उसका। तो ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, सेंड ईमेल, सेंड मैसेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, तो आपको व्हाट्सएप के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इनमें से किसी पे क्लिक नहीं करना, आपको बस यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे खुल जाएगा उसका। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेटअप व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जस्ट बाद गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आपको अपना कंट्री चूज कर लीजिए, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंड कोड, ठीक है। तो सेंड कोड के बटन पे आपको टैप कर देना है। टैप करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा अपना। उसका आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 अंक का OTP आने वाला है अपना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे खुल चुका है, आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे एक OTP आया होगा फेसबुक की तरफ से, ठीक है। तो आप मेरा यहाँ पे आ चुका है 31389, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आपको डन के बटन में यहाँ पर टैप कर देना, ठीक है। यहाँ तक आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखे गए हैं। तो यहाँ पे तो सारा अपना काम कंप्लीट हो गया। बट गाइस, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा, शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, ठीक है। तो अगर आप इसके बटन में ऑन कर देते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है सबको सामने आ जाएगा, सबको आपका व्हाट्सएप नंबर देख पाएगा। बट ये डिजेबल हो रखा है, अगर आप इनेबल करना चाहते हैं यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और गाइस, आपका मन बदल गया और आपको व्हाट्सएप को फेसबुक पेज से अनलिंक करना होता है, आपको दिख रहा होगा डिस्कनेक्ट अकाउंट, ठीक है। जिसके बटन में टैप करते ही आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है यहाँ से अनलिंक हो जाएगा और 8 बटन की जगह पे आपको डिस्कनेक्ट करते ही गाइस व्हाट्सएप मैसेज का जो ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहा था वो हट जाएगा, फिर वहाँ पे 8 बटन का ऑप्शन शो कर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे टैप करके आप फॉलो का भी लगा सकते हैं या अपना नंबर भी दे सकते हैं, या यहाँ पे सेंड ईमेल का भी ऑप्शन देता है जिसमें आप अपना ईमेल ID वहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी बंदा उस पर टैप करेगा तो आपको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, या अगर फॉलो का ऑप्शन आएंगे तो फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। तो आशा करता आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सकते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको ऑन कर लीजिएगा। जैसे मैं कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा हूं, वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे DM भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।